टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, दिस इज योर कॉर्पोरेटर सुफियान वनु। एयरपोर्ट पे किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे लोगों को लूटा जा रहा है, कैसे लोगों को होटल क्वारंटाइन के नाम पे लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, इसमें ना सिर्फ बीएमसी के अधिकारी शामिल है बल्कि ये जितने प्राइवेट लैब वाले हैं ये भी शामिल है। इसका एक उदाहरण सबूत के साथ आपके सामने दूंगा। एक 8 तारीख को एक लेडी मिसिस एस अकलेकर, ये ट्रैवल करने वाली थी बहरेन के लिए। ये सुबह में 6 बजे एयरपोर्ट पे आती है, इनका 10:40 को फ्लाइट है। 10:40 को उनका फ्लाइट होता है, उनसे कहा जाता है 10:30 को आपका पीसीआर टेस्ट एक्सपायर हो गया है 10 मिनट पहले, तो आपको दूसरा पीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा। पीसीआर टेस्ट के लिए बीएमसी अधिकारी भेजते हैं यहाँ पर P9 में, यहाँ पे इन्होंने धंधा खोल रखा है। इनके पास में यहाँ पर भेजा जाता है और यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्ट होता है पैसा लेके, और उस टेस्ट की रिपोर्ट आती है सुबह में 8 बजे के वो लेडी पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव लेडी, उसको पॉजिटिव बताकर उसको ट्रैवल करने से रोक दिया जाता है, और सिर्फ ना रोका जाता है बल्कि बीएमसी अधिकारियों की तरफ से उसको प्रेशराइज किया जाता है कि उसको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। वो यहीं पे बैठ के रोने लगती है। मुझे इस खबर की खबर मिली, मैं यहाँ पर पहुँचा, मैंने बीएमसी अधिकारी से पूछा कि आप मुझे गवर्नमेंट का एसओपी बताइए कि वुमेन विद द चाइल्ड कहाँ पर होम क्वारंटाइन, कहाँ पर होटल क्वारंटाइन है। होटल क्वारंटाइन की जो गाइडलाइन है कि वुमेन विद द चाइल्ड होटल क्वारंटाइन नहीं है, जबकि वो असिम्प्टोमेटिक है। उससे ये कहा गया कि आपको होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। जब मैंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी तो उसको छोड़ दिया गया, ये बोल के कि आप डिक्लेरेशन दो और चले जाओ। वो उसको यहाँ से ले जाकर मैं बीएमसी के ऑफिस के अंदर, बीएमसी के हॉस्पिटल के अंदर मैंने तुरंत उसका 2 घंटे के बाद टेस्ट करवाया आरटीपीसीआर। आज उसकी रिपोर्ट आई, 2 घंटे पहले जिन्होंने इसको पॉजिटिव बताकर उसको होटल क्वारंटाइन के नाम पे लूटने की कोशिश की थी, वो बीएमसी के टेस्टिंग के अंदर नेगेटिव आती है। इस तरीके का भ्रष्टाचार चोरी यहाँ पर बीएमसी के अधिकारी भी और यहाँ के जितने लैब है, चाहे इनको बीएमसी ने अपॉइंट किया है, चाहे जीवीआर ने अपॉइंट किया है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, किसने भी अपॉइंट किया हो, ये सब मिलकर यहाँ पे लोगों को लूट रहे हैं। और कोई चीज नहीं है, 3 दिन पहले की बात है, मेरा एक मित्र दुबई से आता है, उसने ऑलरेडी वैक्सीनेशन लिया हुआ है, उसको एयरपोर्ट पे ये बोल के रोका जाता है कि भाई तुमने जो वैक्सीनेशन लिया है वो चाइनीज है, चाइनीज वैक्सीनेशन को इंडियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है, इसलिए आपको यहाँ पे होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। मैंने ऑफिसर से बात की, आप एसओपी बताओ कहाँ लिखा हुआ है कि वैक्सीनेशन, चाइनीज वैक्सीनेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर बाद में वो डर गया और उसने फिर उसको भेज दिया। तो इस तरीके से पैसों का लेन देन, जो 5,000, 10,000, 15,000 देता है उसको होटल क्वारंटाइन के नाम पे घर जाने दिया जाता है, और जो नहीं देता उसको होटल क्वारंटाइन के नाम पे होटलों की दलाली करते हैं, जिसमें बीएमसी के अधिकारी भी शामिल है। एक डॉक्टर प्राची और डॉक्टर नवीन वो ड्यूटी पे थे 8 तारीख को, जिनसे मेरी उस वक्त बातचीत हुई थी। और ये लाइफ नीति वेलनेस करके ये टेस्टिंग लैब है, बड़ा चोर लैब है जो लोगों को लूट रहा है, गलत रिपोर्ट दे रहा है, 2 घंटे में नेगेटिव और 2 घंटे में पॉजिटिव। इसके लिए मैंने इसको मुख्यमंत्री को भी खत लिखा है, मैं एएमसी से भी वॉक लिया हूँ, अभी 4 बजे का टाइम मिला है कमिश्नर का, मैं उनके पास भी जा रहा हूँ। और इसको मेरी एक मांग है, एज अ कॉरपोरेटर, एज अ मुंबई शहर का ट्रस्टी, मेरी मांग है सबसे पहले सारे ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए, इन पे कार्रवाई की जाए, ये जितने लैब जो लोगों को लूटने के लिए यहाँ पे खोले गए इसको बंद किया जाए, इनका ऑडिट कराया जाए और इनको बात करने की तमीज सिखलाया जाए। वो जो लेडी, ऐसे कई लोग हैं जिनकी फ्लाइटें मिस हो गई, जिनके घर वाले बेचारे मिस हो गए, दो महीने से धक्के खा रहे हैं। हाँ, कभी उनको यहाँ पे एयरपोर्ट पे आने का बोला जाता है कल आओ, परसों आओ, बेचारा जो कोरोना में ट्रैवल कर रहा है, मजबूरी में ट्रैवल कर रहा है, और ये बीएमसी के साथ मिलकर ये प्राइवेट लैब वाले उनको लूट रहे हैं। तो इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आगे लोगों तक पहुंचाएं और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं कि इस लूट को किसी तरीके से खत्म किया जाए। धन्यवाद, थैंक यू।